हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन अंडर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर देखिए डिवाइड में हमारे पास अंडर टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो होगा नहीं, इसलिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पर 1 को ऐड करूँगा और 1 को माइनस करूँगा इस डिवाइड में। यहाँ पर पहले से हमारे पास क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं देखिए 1 माइनस कर लेता हूँ और प्लस 1 कर लेता हूँ। ओके, ऐसा मैंने इसीलिए किया है ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकें हम। ओके, देखिए अभी ये 1 है, इसको मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन अंडरूट, ये 1 पहले लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ओके, ये 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी यहाँ से इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया है, और ये माइनस 2x हो जाएगा। ओके, अभी देखिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है x माइनस 1, ओके, b की जगह है 1, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1। ओके, ये हमारा ये और ये हमारा सेम है, तो इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2x इंटू 1 2x ही रहेगा यहाँ पर हमारा। ओके, तो इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में। ओके, तो इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन अंडरूट, यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस इसको मैं लिख देता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अभी देखिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूँगा इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन अंडरूट हमारे पास हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में किया है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, देखिए यहाँ पर सिंपल x है, x माइनस 1 है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लेकर आने के लिए, इस जैसा बनाने के लिए इसको टी पुट कर लेता हूँ, तो पुट x माइनस 1 इक्वल टी। ओके, अभी इसका डिफरेंशिएट करूँगा मैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, t का वन का माइनस 1 का 0 हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। ओके, हमें तो dx की वैल्यू चाहिए, dx को इस साइड लेकर आऊँगा तो dx इक्वल क्या वैल्यू आ रही है हमारी dt, तो ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन साइन में हम यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। ओके, dx की हमारी क्या वैल्यू है dt, तो इस dx की जगह मैं dt रखूँगा, डिवाइड में अंडरूट, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ पर x माइनस 1 की जगह मैं क्या पुट करूँगा t। ओके, तो यहाँ पर t का स्क्वायर। ओके, अभी देखिए अभी ये हमारे पास ये और ये इंटीग्रेशन, x की जगह क्या है हमारे पास t, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a, यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या है t, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t बाय, अभी हम यहाँ पर a की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है सॉरी 1 है, तो इसका t बाय 1 हो जाएगा, और अभी हम t की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने इंटीग्रेशन तो कर लिया है, साइन इनवर्स t की हमारी क्या वैल्यू है x माइनस 1, तो x माइनस 1 और डिवाइड में 1 है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस cos tan c, यही हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर का। ओके,
थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।